बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे ने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। बिग बॉस 13 के फिनाले से पहले शिल्पा ने बताया था कि वो सिद्धार्थ को डेट कर चुकी हैं। सिद्धार्थ के साथ उनका रिलेशनशिप काफी मुश्किलों भरा रहा। सिद्धार्थ काफी गाली गलौज और मारपीट करते थे। शिल्पा ने सिद्धार्थ के साथ बातचीत का एक पुराना ऑडियो भी लीक किया था, जिसमें सिद्धार्थ एक्ट्रेस को भला बुरा कह रहे थे। लेकिन अब जब सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस सीजन 13 के विनर बन चुके हैं, तो शिल्पा ने एक्टर को लेकर और भी कई बड़े खुलासे किए हैं। शिल्पा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सिद्धार्थ ने उन पर तेजाब फेंकने की धमकी दी थी। शिल्पा ने सिद्धार्थ के साथ अपने रिलेशनशिप का सच बताते हुए कहा, सिद्धार्थ पजेसिव थे। जब हम रिश्ते में थे, तब अगर मैं कभी उनका फोन नहीं उठाती थी तो वो मुझे गालियाँ देते और आपत्तिजनक टिप्पणी करता था। लेकिन जब सिद्धार्थ का खुद का भी फोन बंद होता था और इस पर मैं उन्हें सवाल करती थी, तो मुझे सामने से चार थप्पड़ पड़ती थी, गालियाँ सुनने को मिलती थी। जितना बुरा हो सकता था वो होता था, लेकिन मैं चुप नहीं रहती थी। मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई हुई है, क्योंकि उसने मुझे कहा था, मुझे छोड़कर दिखाओ, मैं मुंह पर एसिड फेंक दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। काफी ज्यादा वायलेंस हुआ, मारपीट हुई। शिल्पा ने कहा, मैंने सिद्धार्थ की माँ को ये बात बताई थी, कहा था कि मैं ये बातें काफी आगे तक लेकर जाऊंगी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो सिद्धार्थ को समझा लो, इसे बंद कर दो। शिल्पा शिंदे से जब पूछा गया कि वो क्यों इस वक्त सिद्धार्थ की सच्चाई को दुनिया के सामने लेकर आ रही है, जवाब में एक्ट्रेस ने कहा, वो नहीं चाहती कि सिद्धार्थ जैसा इंसान बिग बॉस सीजन 13 जीते और किसी डिजर्विंग इंसान का हक मारा जाए। अगर आपको इस स्टोरी पसंद आए तो इस लाइक को शेयर करें, साथ ही इस पर अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।